हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। तो आज हम एक अच्छा सा चटनी बनाए हैं जो कि आपके साथ उसका रेसिपी मतलब जो जिस तरह से हम बनाए हैं तो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आपको अच्छा लगेगा तो आप भी इस तरह से बनाइएगा अपने घर पे। और ये चटनी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये है नेनुआ का चटनी, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसको नेनुआ और परोर बोलते हैं, तो और भी कुछ इसका नाम होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखिए चूल्हे मतलब गैस के ऊपर एक जाली रख ली है, जो पकाने वाला होता है जाली। तो उसमें हम दो टुकड़ा करके, आप चाहे तो लंबा डाल सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा बीच में हल्का सा छेदा कर लीजिएगा नेनुआ में, और या तो फिर दो टुकड़ा, सबसे आसान होता है दो टुकड़ा करके और उसको पका लीजिए। तो अच्छे से इसको पका लेना है, और ये देख सकते हैं हम पका रहे हैं इसको। और पकाने के बाद फिर इसका जो ऊपर वाला जो काला वाला जो थोड़ा थोड़ा जल जाता है, तो उसको चाकू का सहायता से उसको थोड़ा थोड़ा निकाल देना है, ज़्यादा नहीं हल्का निकालना है। तो बस देखिए, इसमें हम हरा मिर्चा दे रहे हैं। ये हरा मिर्चा नहीं है, अपना मतलब बगान का जो मिर्चा है वही हम तोड़ के लाए हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है बहुत तीखा खाते हैं, तो उन्हीं के लिए चटनी बना रहे थे स्पेशल, आज उन्हीं का फरमाइश था। तो देखिए, इसमें हम 8 मिर्चा दे दिए हैं, और 4 कली लहसुन दे दिए हैं, और नमक। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसको निकाल लिए। और इसको ना गाइस सिलवट्टे भी पीसिएगा, और सिलवट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हम देखिए यहाँ पे जो पत्थर का सिलवट्टा होता है मसाला पीसने वाला, उस पर पीस रहे हैं, क्योंकि ये इसमें ना पीसने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और मिक्सी में पीसने से ना थोड़ा सा जम जाता है, आप कभी ट्राई करके देखिएगा। इसीलिए हम लोग जितना भी चटनी रहता है बनाने का, धनिया पत्ता का, बादाम का, हर चटनी तो हम लोग सिलवट्टे में ही पीस के बनाते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए कितना अच्छा से एकदम चटनी बन के रेडी हो गया है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और जो भी नए हैं सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।